राजी थी और इसमें हिंदी पत्रकारिता ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। हिंदी पत्रकारिता को जागरूक करने के लिए AAAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स और राम जानकी संस्थान के RJS पॉजिटिव मीडिया व RJS PBH के सहयोग से नोएडा के बाबा स्टूडियो में हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मालवा आर्ट और ICMPI के संस्थापक प्रोफेसर राम शरण जोशी, पूर्व उप कुलपति माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, डॉक्टर गौरी शंकर रैना पूर्व निदेशक दूरदर्शन दिल्ली, डॉक्टर पवन गोंडल एसोसिएट प्रोफेसर भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली, प्रोफेसर गीता गुप्ता विभागाध्यक्ष पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली, उमेश चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार पार्थ सारियाल पत्रकार पीके सुशांत भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रह्म कुमारी संस्थान उदय कुमार मन्ना RJS राष्ट्रीय संयोजक मौजूद रहे। वही आप और ICMPI के संस्थापक प्रोफेसर शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही कहा कि जन कल्याण के लिए सकारात्मक सोच का समर्थन और सम्मान करते रहे। उन्होंने बताया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 1 करोड़ लोगों को सपोर्ट कर रही है। इसके साथ 15% की दर से बढ़ रही है। मुख्य अतिथि पूर्व उप कुलपति प्रोफेसर राम चरण जोशी ने पत्रकारिता के अपने अनुभवों की साझा किया है। इसके साथ ही कहा अब पत्रकारिता विषय नहीं बल्कि प्रोफेशन है तथा प्रोफेशन से ज्यादा पत्रकार राजीव गौतम ने कहा कि सामान चाहिए कि सम्मान चाहिए, फैसला स्वयं के विवेक पर निर्भर है। कार्यक्रम के उपस्थित अतिथिगण ने पत्रकारिता पर अपने विचारों को रखा और सकारात्मक पत्रकारिता की जरूरत पर जोर भी दिया। वही कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मालवा को RJS फैमिली की ओर से शॉल ओढ़ाकर प्रतीक चिन्ह टी शर्ट और घड़ी देकर सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मालवा और आयोजक कुमार मन्ना ने सकारात्मक भारत उदय आंदोलन का समर्थन करने वालों को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। 30 मई के इस शुभ अवसर पर जो कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है उसके उपलक्ष्य में मैं पूरे देश को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी सीखना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इसी आज के शुभ अवसर पर हम लोगों ने RJS पॉजिटिव मीडिया के साथ मिलकर इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर ने आज यहाँ पर एक ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस रखी और इसके कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत हम लोगों ने उन तमाम बातों को डिस्कस किया है जहां हमें किस तरीके से हिंदी पत्रकारिता में पॉजिटिविटी सकारात्मक जो है पॉजिटिविटी लेके आनी है और बहुत अच्छे अच्छे विचार उभर के ऊपर आए। लोगों ने बड़े खूबसूरत शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए। सारी बातों को नोट किया गया है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इन्हें सिखाने से लेकर और प्रैक्टिकल रूप में इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से इन चीज़ों को सम्मिलित कर सकते हैं। मेरी विचारधारा और मन्ना जी की विचारधारा कम से कम इसमें बिल्कुल एक है, क्योंकि मैं भी हमेशा भारतीयता को और हिंदी पत्रकारिता को मान्यता देता रहा हूं, इसे प्रमोट करता रहा हूं। और आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी को सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर किया है तो हमारी हिंदी फिल्मों ने किया है। और आज ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो हिंदी भाषा है वो दुनिया में 4th नंबर पर पढ़ी और समझी जाती है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम लोग इस 4th नंबर से 3rd और फिर 3rd से 2nd नंबर पे भी आ सकते हैं अगर हम सभी भारतीय अपनी भाषा को खुद प्रमोट करें, जैसे दूसरे देशों में लोग अपनी भाषा को ज़रूरत से ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और हिंदी सिनेमा ने इसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है और इसीलिए हम लोगों ने 6 साल पहले हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह शुरू किया था जहां पर हिंदी सिनेमा को इसीलिए अवार्ड दिया जाता है क्योंकि वो हमारी मातृभाषा हिंदी को देशभर और दुनिया भर में लेके गई है। देखिए आज जो पत्रकारिता दिवस को मनाया गया ये एक हिंदी का जो पहला साप्ताहिक अखबार था
उदंत मारतंड और इसकी स्मृति में आज मनाया गया। ये 1826 में शुरू हुआ था ये उदंत मारतंड। इसको शुक्ल जी थे, उन्होंने इसका संपादन किया, लेकिन कुछ आर्थिक कारणों से ये नहीं चल सका। तो ये तो हो गई 19वीं सदी की बात है। अब आज हम 21वीं सदी में क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं कि जो जिस काम के लिए पत्रकारिता हम लोग कर रहे हैं, चाहे प्रिंट पत्रकारिता हो, चाहे ये आपके चैनल पत्र इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता हो, वहाँ मुख्य बात यह है कि क्या आज के पत्रकार को अपना जो पत्रकारिता का जो धर्म है वो निभा पा रहा है या नहीं, अपनी जिम्मेदारी जो उसके समाज के प्रति और अपने पाठकों या दर्शकों के प्रति है वो ईमानदारी से कर पा रहा है या नहीं पा रहा, क्या एक तथ्य आधारित कवरेज हो रहा है या नहीं हो रहा। इस समय आरजेएस पॉजिटिव मीडिया मारवा स्टूडियो में है और यहाँ पर जो है हम लोगों ने हिंदी पत्रकारिता दिवस को बड़े ज़ोरदार तरीके से मनाया और इसमें प्रोफेसर रामशरण जोशी जी, प्रो वाइस चांसलर जो रह चुके हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के, दूरदर्शन के अधिकारी गौरीशंकर डॉक्टर गौरीशंकर रैना जी और IIMC के पदाधिकारी, प्रसार भारती के पदाधिकारी, आकाशवाणी के पूर्व अधिकारी और तमाम चैनलों के यहाँ पे मीडिया कर्मी वगैरह सब उपस्थित हुए और इसमें सकारात्मक पत्रकारिता, भारत में जो पत्रकारिता चल रही है तो पत्रकारिता में भारतीयता कैसे आए, इसी पर विचार विमर्श किया गया और ये अमृतकाल चल रहा है तो अमृतकाल में पत्रकारिता में भारतीयता कैसे आई, इस पर बहुत सारे भारत के मनीषियों पुरोधाओं को याद किया गया, उनकी स्मृति को नमन, जैसे कि उदंत मारतंड जो अखबार के संपादक थे, जुगल किशोर शुक्ल जी उनको याद किया गया, राजा राम मोहन राय जो समाज सुधारक थे, पत्रकार थे, स्वतंत्र पत्रकारिता के जनक को याद किया गया और एक नई पीढ़ी तक इस संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया गया कि सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत कैसे हो सकता है। तो आरजेएस पीबीएच और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने ये मारवा स्टूडियो में जो संदीप मारवा जी हैं जो कुलाधिपति हैं आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के, तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्था दी जिसके चलते सकारात्मक पत्रकारिता को एक बल मिला है और हम लोग 6 अगस्त को राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम में सकारात्मक पत्रकारिता की जो जितने कार्यक्रम हुए हैं 150 कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव को उसको उसकी किताब के रूप में जनता को समर्पित करेंगे राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम ITO नई दिल्ली में। जय हिंद, जय भारत। देखिए, दिवस तो चलिए एक फॉर्मेलिटी होता है कि आज दिवस है, मुझे लगता है एक पत्रकार के लिए हर दिन पत्रकारिता दिवस होता है, जो वो बढ़िया खबरें लिखता है, समाज के भले के लिए लिखता है, सरकार के खिलाफ लिखता है या सरकार के फेवर में लिखता है। और जैसा कि परसेप्शन की बात है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोला जाता है, मीडिया बदल गया है, ये हो गया है, आधा ग्लास भरा है आधा खाली है और सब बिक गया है, मोदी सरकार ने सब खरीद लिया है, देखिए ऐसा नहीं होता और ये आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप कितने ईमानदार पत्रकार हैं और सम्मान पर ज़्यादा आपका विश्वास है, सम्मान पर ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि एक ही चीज़ मिलेगी आपको। तो मेरा सब यंगस्टर से भी और ख़ासकर इंस्टीट्यूट के बच्चों से भी यही मेरा गुजारिश है कि ठीक है, ग्लैमर भी ज़रूरी है, आप लोग मीडिया में आते हैं ग्लैमर के लिए आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन साथ साथ ये मत भूलिए कि पत्रकारिता एक रिसर्च का भी नाम है,